अगर आप अपनी गाड़ी किसी को सेल करते हैं या फिर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप अपनी गाड़ी की आरसी की ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करें, वो भी घर बैठे बिना किसी आरटीओ ऑफिस जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी फायदा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है परिवहन, जो जो परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फुल नेम फिल करना है, नीचे ईमेल आईडी फिल करनी है, इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और कैप्चा फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, आप उस लिंक को ओपन करना है। वहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। उस पासवर्ड को जनरेट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको वहाँ पर यूज़र आईडी में वही ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर आपको पासवर्ड में वही पासवर्ड फिल करना है जो आपने जनरेट करा है। आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट फिल करने हैं और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है डू यू वांट, इसको क्लोज कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई केवाईसी, इसको येस कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जो परचेसर है, जो खरीदार है, उसका आधार नंबर फिल करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ट्रांसफ़र फॉर ओनरशिप पर क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आपकी गाड़ी पर कोई भी किसी प्रकार का एचपी नहीं है, कोई भी लोन नहीं है, तो आपको ओनली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पर क्लिक करना है। यदि आपकी गाड़ी लोन पर थी और आपने अपनी गाड़ी पर से लोन हटवाया नहीं या एचपी हटवाया नहीं, तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के साथ साथ हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन पर भी क्लिक करना है और आपको अपनी गाड़ी पर से एचपी हटवाना मैंडेटरी है, ठीक है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी कैश पर है, आपने कोई लोन नहीं लिया, आपने कैश गाड़ी खरीदी है, तो आपको सिर्फ ओनली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पर क्लिक करना है और इसके बाद के प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी गाड़ी जैसे कि लोन पर थी तो हम यहाँ पर हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन पर क्लिक करना है और आपको लास्ट में दिख रहा होगा एक्शन, एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेशन की जिस दिन हमारा लोन ख़त्म हुआ है वो डेट फिल करनी है, वो डेट बैंक की एनओसी पर भी लिखी होती है, आप वहाँ से देख के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसको सेव कर देना है, ओके, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की ये आ जाएगा, इंश्योरेंस की डिटेल आ जाएगी, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको फिर से आप नेक्स्ट कर देंगे, आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पर क्लिक करना है और यहाँ पर पर्पस फिल करना है। तो हमारा पर्पस सेल ही है, आपको ओनरशिप टाइप फिल करना है, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर बायर का मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर हम बायर का मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं,
इसके बाद आपको यहाँ पर सेल डेट लिखनी है कि आपने अपनी गाड़ी किस तारीख को बेची है। ठीक है, हम वो भी फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेल का अमाउंट फिल करना है कि आपने अपनी गाड़ी कितने रुपए की बेची है। ठीक है, सेल करिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू ई साइन, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। फिर आपको फॉर्म 29 को प्रिंट कर लेना है और फॉर्म 30 को भी प्रिंट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म 29 और फॉर्म 30 पर सेलर और बायर के जहाँ सिग्नेचर हैं वहाँ सिग्नेचर कर लेने हैं। ठीक है, फॉर्म 29 के साथ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस की कॉपी और बायर का जो आधार कार्ड है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप पीडीएफ स्कैनर या कैम स्कैनर से एक पीडीएफ में फॉर्म 29 को स्कैन कर लें। ठीक है, फॉर्म 29 के साथ आपको जैसे आपका ये पहला पेज फॉर्म 29 हो जाएगा। इसके बाद आपको आरसी की फ़ोटो लेनी है, इंश्योरेंस सेल्फ अटेस्टेड, इंश्योरेंस पर सेलर के साइन होने चाहिए और बायर का आधार का साइन होने चाहिए, बायर के आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी पर। ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉर्म 30 भी प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद बायर और सेलर जो भी जहाँ पर है उनके सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसी तरीके से एक पीडीएफ बनानी है, सबसे पहले फॉर्म 30, इसके बाद आरसी, इसके बाद इंश्योरेंस सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, इसके बाद बायर का आधार कार्ड, फिर नीचे पॉल्यूशन, ये भी सेल्फ अटेस्टेड, और फॉर्म 35। अगर आपकी गाड़ी लोन पर है तो फॉर्म 35 भी अपलोड होगा, अगर लोन पर नहीं है तो फॉर्म 35 की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद फॉर्म 35 को भी अपलोड कर देना है, जो कि बैंक की एनओसी के साथ ही आपको मिलता है, उस पर सेलर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक बैंक से एनओसी का लेटर मिलता है, उस लेटर को भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, देखिए हमने फॉर्म 35 को अपलोड कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म 35 दोस्तों आपको बैंक से ही मिलेगा। ठीक है, फॉर्म 35 को अपलोड करने के बाद आपको एनओसी का लेटर भी अपलोड कर देना है। ठीक है, इनको सबको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना दोस्तों, और 500 KB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और ई साइन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भी बायर का ही आधार नंबर फिल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बायर का आधार नंबर फिल कर देते हैं। इसके बाद जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देते हैं, सिलेक्ट और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गो बैक पर क्लिक करना है। जैसे आप गो बैक पर क्लिक करेंगे तो आप साइन आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिर से यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी फिल करनी है, पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। आप फिर से लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको फिर से डैशबोर्ड पर जाना है। आपकी डैशबोर्ड पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करना है। ठीक है, DMS अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगा, इस लिंक को कॉपी करके एक न्यू पेज में खोल लेना है या न्यू ब्राउज़र में किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर, अब यहाँ पर आधार नंबर सेलर का आधार नंबर फिल करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेलर का आधार नंबर फिल कर दें। ठीक है, सेलर का आधार नंबर फिल करके यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपके आधार से जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको क्लिक हेयर टू ई साइन पर क्लिक करना है, ई साइन पर क्लिक करना है और फिर से आपको सेलर का ही आधार नंबर फिल कर देना है। ठीक है, सेलर का आधार नंबर फिल करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है और एक यहाँ पर OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है और सबमिट कर देना है।
ठीक है, सबमिट करने के बाद आइए हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं। ठीक है, ओटीपी फिल कर दिया। फिर आपको वापस से उसी पेज पर जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। ठीक है, डीएमएस अपलोड पर यहाँ पर गो बैक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद आपको फिर से लॉगिन होना है। लॉगिन, हाँ, यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा। ठीक है, फिर से आप लॉगिन हो जाओगे, फिर से आप डैशबोर्ड पर जाओगे। ठीक है, सबमिट हो गए। फिर आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद फीस डिटेल पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड करना है। मेक पेमेंट एंड सबमिट करना है, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म पेमेंट आप यहाँ पर एसबीआई ई पे मल्टी बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या भीम यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिसीट जनरेट होगी। ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की रिसीट जनरेट होगी और यहाँ पर आरटीओ ऑफिस का एड्रेस भी लिखा होगा। तो आपको इस रिसीट को प्रिंट कर लेना है। इस रिसीट को प्रिंट कर लेना है, फॉर्म 29 को प्रिंट कर लेना है। फॉर्म 29 को तो आपने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। फॉर्म 29, यह वाली रिसीट, फॉर्म 30, बैंक की एनओसी, फॉर्म 35, ओरिजिनल इंश्योरेंस, ओरिजिनल पॉल्यूशन, ओरिजिनल आरसी, आपको एक लेटर में डालकर और जो आरटीओ ऑफिस का एड्रेस इस रिसीट में लिखा है उस आरटीओ ऑफिस को आपको बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना है। ठीक है, 10 से 15 दिन में आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपकी आरसी आपके घर नए ओनर के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर आपके ये बैंक एचपी ना होता आरसी पर, या आरसी पर आपका लोन नहीं होता, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट स्पीड थ्रू के द्वारा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, फीस की पेमेंट करनी थी, बस ओनली। इतना करने के बाद आपका आरसी ट्रांसफ़र हो जाती और स्पीड पोस्ट के थ्रू नए ओनर के एड्रेस पर आरसी पहुंच जाती। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऑनलाइन आरसी ट्रांसफ़र करूं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आरसी की सारी डिटेल सेंड कर दें। मैं आपके लिए ऑनलाइन आरसी ट्रांसफ़र कर दूंगा। थैंक यू।